अरे मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, हजारों जातियों में आप बिखरे हो और जात से बाहर निकलने का आप नाम नहीं ले रहे हो। हमारे संत गुरु रैदास कहे, हमारे सम्यक संबुद्ध कहे कि मानो की कोई जातियां नहीं होती। ये गीत सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ये लाइन हमारी बता रही है इस मूल निवासी समाज के लिए क्या है। अरे मूल निवासी सारा, मूल निवासी सारा परिवार वा हो ये कही, मूल निवासी सारा परिवार वा हो ये कही बिचारा वा यलिका सिंधु घाटी वासी एक एक लफ्ज पर एक एक बात पर गौर करिएगा। सिंधु घाटी वासी नाग दरिद्र संगी भाई, अरे जाट गुजर पासी, जाट गुजर पासी चमरवा हो ये कही, जाट गुजर पासी चमरवा हो ये कही चेहरावा इतनी बारीकी से इन लोगों ने हमें अलग अलग किया क्या है। 6,700 तिरालीस भैली जाती हो, सबके कपार पर डंडा परत हो। अहिर मरा था तो कुर्मी का तो छोड़ा मरदवाया हिरन का मामला, चमार मरा था तो भर का तो छोड़ा वो चमरौटी का मामला, आ
धोबी मरा था तो पासी कहता कि धोबियाना का मैटर हमारे से कोनो मतलब ना हो कर। लेकिन आए मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, सर सबका एक ही समान है, और आप भारत के भाई हो, ये जल जमीन जंगल सब आपका है। इसलिए कह रहा हूँ, सर बचाना है तो जातियों से बाहर निकल जाओ और अपनी सुरक्षा कर लो। और क्या किए, वेदय और रामायण गीता लिख के पुराण हो, पुरखन के अपने बतवला भगवान हो, रामायण गीता की लोगों ने रचना किया, अपने पुरखों को ब्रह्मा विष्णु इंद्र नारद को भगवान बना दिया, और हमारे पुरखों को हिरण्यकश्यप को, राजा महिषासुर को, देवासुर को, सारे लोगों को दैत्य राक्षस और असुर बता दिया, और हमारे लोग अपने लोगों से नफरत करने लगे और इनके बाप दादाओं को पूजने लगे। ये बाप दादा को पुजवा के भी माल खींच रहे हैं और हमें जातियों में लड़ा करके सत्ता का आनंद ले रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, अब दोबारा कोई आपको समझाने वाला इतनी बारीक से पैदा नहीं होगा, इसलिए जो कह रहा हूँ उसको जेहन में उतार लो। क्या है, पुरखन के अपने बतौला भगवान, मंदिर बीचे छलिया मंदिर बीचे छलिया लू तेरा हो ये कही, मंदिर बीचे छलिया लू तेरा हो ये कही, भगवान को देखा किसी ने नहीं, लाखों मंदिर में लाखों पत्थर की मूर्तियां बना दिए, कहे महिलाओं के रक्षक हैं, ये जो है सोस्तों के रक्षक हैं, लेकिन ये सारे भक्षक हैं अगर जब इनके इतिहास को तलाशा जाता है तो। इसलिए कहना है केहू के सिखावत बाटे, केहू के सिखावत बाटे सरधायो दर्पण, सरधायो दर्पण, केहू के करावत बाटे गोबर के दर्पण, छत्री बैस चाहे,
छत्री बैस चाहे हो मैं सुना पंडिताई। सब मूल निवासी नारी जितनी हीरो कहने का मतलब कि इस देश का श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, और आज बड़े बड़े पर्दे पर अपनी कला दिखाने वाली जो बड़ी बड़ी सम्मानित फिल्म के पर्दे पर काम कर रही हैं, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिबाराव फूले ने, माता सावित्री बाई फूले ने, इनकी भी बेटियों को पढ़ने का अधिकार, सम्मान से जीने के अधिकार की लड़ाई लड़ा, तब जाकर के आज इनकी बहन बेटियां और इनकी महिलाएं पढ़ी लिखी हुई हैं। लेकिन मानते कितनी है बाबा साहब अम्बेडकर को? जीरो के बराबर। ये भी सिखाने में लगी हैं कि माता सरस्वती की पूजा करो। पूजा नहीं, हम इस पर थूकना भी पसंद नहीं करते, इसलिए लाइन कह रही है। सबे मूल निवासी नारी जेतनी हीरो जातिवादी सब करे नजरवा हो ये कही जातिवादी सब करे नजरवा हो ये कही जहारावाया लगा अलगावा आखिरी लाइन में भारत के सम्मानित मूल निवासी समाज को संदेश के रूप में आखिरी लाइन में गीत दे रहा हूं। क्या है? जागा मूल निवासी भेद, जागा मूल निवासी भेद दिल से मिटावा। अरे जागा मूल निवासी भेद दिल से भुलाई। अरे पुरखों का चमनी सूरज भान है सजाई। कहते हैं हमारे कवि सूरज भान जी कि जब तक समाज अपने पुरखों का, अपना पुरातन इतिहास नहीं समझेगा, नहीं पढ़ेगा, अध्ययन नहीं करेगा, तब तक ये गुलाम बन करके ही मर जाएगा। क्या कहते हैं? पुरखों का चमन सुरजी भान है सजाई। यादो राजकुमारी जूझारावा हो ये कही। यादो राजकुमार जूझारावा हो ये कही लहारावा अलगा अलगा पा। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।